जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना दोस्तों, वो भूतकाल या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है। तुला राशि का जुलाई 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन, जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? जो भी आपके मन के अंदर प्रश्न है, सवाल है, सब कुछ आज हम बारीकी से जानेंगे। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा जुलाई 2023 में, डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक अचूक उपाय आपके जीवन को, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। चलिए जानते हैं, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जो भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं ना, चेक कीजिएगा, उनको पहले स्कैम होते हैं। चलिए अब आपको ध्यान से सुनना होगा। जब जुलाई का महीना शुरू होगा तो तुला राशि से नव ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं, आपके प्रथम यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है केतु, तो आपके सप्तम भाव में विराजमान है राहु के साथ में बृहस्पति, आपके पंचम भाव में विराजमान है शनिदेव अपने घर में, वहीं आपके नवम स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ में बुध, दशम भाव में है शुक्र, तो 11वें घर में विराजमान है मंगल ग्रह। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई में, स्वास्थ्य राशि के मालिक कौन है आपके, विनस यानी कि शुक्र ग्रह, और वो कहां पर है, शुक्र की पोजीशन कहां पर है, 10th हाउस में विराजमान है शुक्र, केंद्र में विराजमान है, और फिर 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सिंह राशि में। शुक्र की पोजीशन अच्छी है, कोई खराब नहीं है, पहले केंद्र में है फिर लाभ स्थान में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र तो बहुत अच्छे बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, शनि जरूर मैं कहूंगा, यहाँ पे वक्री है और राहु केतु के एक्सिस में है आपका चंद्रमा। सिर्फ तनाव ले लेने से या बहुत ज्यादा सोचने से, बहुत हेडक लेने से, मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपको, वो कहते हैं ना कि माइग्रेन का इशू ना हो, हेडक का इशू ना हो, तनाव ना हो, क्योंकि चंद्रमा में केतु विराजमान है सिर्फ, अभी बस उसका ध्यान रखना है आपको। और वैसे आपकी राशि के मालिक शुक्र इस महीने पूरे ही अच्छी स्थिति में विराजमान है, तो कोई चिंता नहीं, खुद देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर बात करें हम आपकी पढ़ाई की, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2023, पंचम भाव होता है, 5th हाउस होता है पढ़ाई का, और पंचम स्थान के मालिक कौन बनते हैं आपके, शनिदेव अपने घर में विराजमान है, वक्री हो चुके हैं अपनी राशि में, कुंभ राशि में, शनिदेव की स्थिति यहां पे अच्छी है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि अपने घर में विराजमान है। और कहा भी जाता है कि शनिदेव जिस हाउस में बैठते हैं ना, उस हाउस की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि उसको गेन करते हैं। यहां पर आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी नॉलेज अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी पढ़ाई अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है अच्छा है, अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छा है, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शनिदेव अच्छी स्थिति में विराजमान है। और हाँ, शुक्र की दृष्टि भी पंचम भाव में पड़ेगी, कब, 7 जुलाई के बाद से। वहीं आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, लव रिलेशन जुलाई में, 5th हाउस से ही देखते हैं दोस्तों लव रिलेशन, लव रिलेशन, संतान और पढ़ाई, पंचम से 5th हाउस से। और जैसे मैंने कहा शनिदेव अपने घर में, लेकिन वक्री हो चुके हैं और शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में 7 जुलाई के बाद। 7 जुलाई के बाद अगर आपका प्रश्न है कब करेगा मैसेज, मुझे मैसेज कब करेगा, 7 जुलाई के बाद पॉसिबिलिटीज हैं, कब हमारा लव रिलेशन थोड़ा बेटर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कब खत्म होंगी, कब जो भी ये जो भी प्रॉब्लम थी, डाउट्स थे, शंका थी, कुछ भी परेशानी थी आपके लव रिलेशन में, तो शुक्र की दृष्टि जब शनिदेव पे पड़ेगी, शनि की दृष्टि जब शुक्र पे पड़ेगी, तो निश्चित आपके प्रेम प्यार में बदलाव तो लेकर आएंगे। यानी कि 7 जुलाई के बाद निश्चित दिखाई दे रहा है कि आपका प्रेम प्यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बॉन्डिंग्स, आपके इमोशंस, आपका एहसास बढ़ जाएगा 7 जुलाई के बाद, ठीक है? उसके बाद हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जुलाई में। सप्तम, 7th हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, और 7th हाउस के मालिक कौन बनते हैं, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है लाभ स्थान में, लेकिन सप्तम भाव में राहु विराजमान है और गुरु भी विराजमान है। जब सप्तम भाव में गुरु विराजमान है और राहु विराजमान है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु तीसरे घर के मालिक हैं, और राहु और गुरु, गुरु चंडाल दोष बन रहा है आपका 7th हाउस में, ये गुरु चंडाल दोष
आपके लाइफ पार्टनर फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं किसी बात से, इरिटेशन ना हो जाए उनको किसी बात से, छोटी छोटी बात पर इशू क्रिएट ना करें आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ में, इसका विशेष थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। क्योंकि राहु के साथ में गुरु ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इरिटेशंस हो सकती हैं, क्रोध आ सकता है आपके लाइफ पार्टनर को, पेशेंस लेवल डाउन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गुरु चंडाल दोष बन रहा है। हालांकि मंगल की पोजिशन अच्छी है तो दिख रहा है कि फिर वापस से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा ठीक होने की आशंका है, और आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करें, भाग्य। भाई भाग्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, तो भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा? भाग्य स्थान के मालिक कौन बनते हैं? मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और करियर के मालिक बनते हैं चंद्रमा। दोस्तों बुध ग्रह अपने घर में विराजमान है ना, नाइन्थ हाउस के स्वामी, नाइन्थ हाउस में बुध ग्रह 8 जुलाई तक। 8 जुलाई से पहले आपका जो भाग्य है अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपका भाग्य, क्योंकि नवमेश भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य में कोई अड़चने नहीं होंगी 8 जुलाई। 8 जुलाई से पहले पहले कर डालिए जो आपको काम करना है, सोचिए मत। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या जो भी, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य कमजोर है, दशा महादशा खराब चल रही है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन राशि के अकॉर्डिंगली भाग्य 8 जुलाई से पहले सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी अच्छा कार्य आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। उसके बाद आपके करियर की बात करें, आपके कार्य क्षेत्र की, कर्म की बात करें, 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। 10th हाउस में शुक्र विराजमान है 7 जुलाई तक। सूर्य और बुध 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, बुध करेंगे 8 जुलाई में, सूर्य करेंगे 17 जुलाई में। 17 जुलाई के बाद आपके काम में, वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, क्योंकि सूर्य, सूर्य क्या है, राजा है नवग्रहों के, सूर्य सरकार है, आत्मबल, आत्मकारक प्लैनेट है सूर्य देव, और सूर्य देव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। हमको जो प्रकाश देने वाले ग्रह हैं, हमको जो जीवन दे रहे हैं, वो सूर्य देव ही तो है, वो 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आपका काम निखर के आएगा कार्य क्षेत्र में, और लोग हो सकता है कि आपसे वो सीखें भी, लोग आपसे उस चीज के बारे में जाने, यानी कि आप अपने काम में एक अलग तरीके से अपने काम को करेंगे और सक्षम होंगे अपने काम को करने में। और जो आपके काम में पहले प्रॉब्लम चल रही थी, जो अनसेटिस्फेक्शन चल रही थी, जो परेशानियों का बहुत बड़ा तनाव चल रहा था आपके करियर में, तो सूर्य 10th हाउस में 17 जुलाई के बाद तो ये थोड़ा बेटरमेंट लेकर आने वाले हैं। लेकिन हाँ, चंद्रमा 10th हाउस के मालिक हैं, तो आपके मन में पता क्या चलता है, कभी भी तुला राशि वाले व्यक्ति अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते, पता नहीं क्यों। चंद्रमा है ना 10th हाउस के मालिक, और लगन और राशि के मालिक है शुक्र, बहुत मूडी स्वभाव होता है, बहुत मूड स्विंग होता है इनका, बहुत जल्दी जल्दी, कभी करियर में अच्छा भी होता है तो भी फिर बाद में कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज पे, अपने मूड को थोड़ा सा चेंज कीजिए। यहां पर आपका करियर 17 जुलाई के बाद अति उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपके बिजनेस की बात करें, व्यापार की अगर हम विशेष बात करें, तो 7th हाउस होता है व्यापार का, और 10th हाउस से भी देखते हैं 7th हाउस डेली इनकम का। राहु और गुरु विराजमान है 7th हाउस में। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कंपटीशन हो सकता है, या क्योंकि राहु भी हैं, और किसी पे ट्रस्ट ना करें, पार्टनरशिप पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु हैं, ज्ञान आपके अंदर रहेगा, इंटेलिजेंसी रहेंगी, कोशिश करेंगे आप, और मंगल 11th हाउस में, लाभ होगा। लेकिन राहु आपको कुछ भ्रमित कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ गलत आइडियाज पे ना जाएं, कुछ गलत डिसीजन ना ले लें अपने बिजनेस पे, किसी गलत इंसान को अपने साथ में हायर ना कर ले आप, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और राहु कोई आपके ऊपर आपको धोखा ना कर ले आपके साथ में, आपके व्यापार में, इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा इस महीने, क्योंकि गुरु के साथ राहु चंडाल दोष बन रहा है। मंगल की पोजीशन अच्छी है, लेकिन हाँ दिख रहा है कि कुछ नए क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ नया काम आपके पास में आ सकता है, आपके व्यापार में प्रॉफिट हो सकता है। क्या उपाय करने चाहिए आपको, जो चीजें खराब है, नेगेटिव है, उनको अच्छा बनाने के लिए? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि अपने छत पर, अपने घर के बाहर आप पक्षियों के लिए दाना पानी, बाजरा वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, दाना पानी वो जरूर रखें पक्षियों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्रदेव का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः 108 बार, ये अच्छा रहेगा। इसके साथ में उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दीजिए आप, बहुत बढ़िया रहेगा। और डेली ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।